नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा मन और हमारा जो ये तन है, इन दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत सारी ऐसी बातें जान रहे हैं कर्मजीत सिस्टर से कि किस तरह से हम अपने आप को एक भरपूर जीवन की तरफ आगे बढ़ाएं। इसके बारे में जानने के लिए आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि किस तरह से हमारा जो ये मन है उसे होलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने बहुत सारे हमें टिप्स भी दिए थे कि किस तरह से हम अपने मन को एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाएं। अब हम और इसके बारे में क्या जान सकते हैं? हम पांच बातें डिस्कस कर रहे थे, मन में जो हमें चेंजेस लाने चाहिए कह लीजिए, या फिर एक सजेशन है, एक सुझाव है कि अगर ये पांच बातों पर हम ध्यान देते हैं तो एक बहुत हेल्दी ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। True. हमने तृप्ति, मन की तृप्ति को डिस्कस किया, फिर हमने एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस को लिया, संतुष्टि और हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट को लिया। इसी के साथ आता है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कि ग्रैटिट्यूड मींस शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, उसकी क्या पावर है उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं हम डेली लाइफ में। आम एक आम इंसान जब सुबह उठता है, खास करके जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल लोग हैं जी, वो ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर ज़्यादातर हमेशा मांगते हैं, धन्यवाद बहुत कम करते हैं। ट्रू ट्रू, ठीक है। तो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ थैंकफुलनेस कितनी सारी है कि गिनना शुरू कर दें, लिस्ट बना लें तो शायद कम पड़ जाएगा, मांगने का वक्त नहीं मिलेगा। पर सिस्टर, हम पता है ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम ऐसा नहीं हम नहीं करते, लेकिन पता है कब करते हैं? जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। उसके बाद थैंक यू भगवान, आपने ये कर दिया। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा मैं देखने में आता है। दैट इज नॉट पावर, दैट इज नॉट ग्रैटिट्यूड। ओके, दैट इज कंडीशनल ग्रैटिट्यूड, राइट? सो ट्रू, मेरी कंडीशन पूरी कर दी जी, तो ग्रैटिट्यूड है, तो थैंकफुलनेस है। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ग्रैटिट्यूड, उसकी पावर क्या है कि सुबह जब आप उठें, तो जब उठते हैं आंखें खोलते हैं जी, तो आंखें जब खुल गई तो सबसे बड़ा थैंक्स तो वहीं बनता है। ट्रू, ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर, या जिसको भी आप मानते हैं, या नेचर है, प्रकृति है, थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड, एक शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के कि मुझे आज का दिन देखने के लिए मिल रहा है, माय आईज आर वाइड ओपन। वाओ, वहाँ से जब जिंदगी की शुरुआत हुई, सुबह का शुरुआत इतनी पॉजिटिव होगी एंड विद द कनेक्शन विद द डिवाइन ऑल माइटी के साथ, तो नेचुरल है कि आपका सारा दिन बहुत खूबसूरत जाने वाला है। वाओ, उसके बाद जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी जाते हैं, या घर में ही अगर आपने ईश्वर के लिए छोटा सा स्थान बना रखा है, वहाँ जब आप हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो उससे मांगने की बजाय धन्यवाद करें, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, आपने इतना अच्छा शरीर दिया। अगर आप स्वस्थ हैं, आप देखिए जो लोग अपाहिज हैं जी, उनके कंपैरिजन में अपने शरीर को देखें, चारों लिम्ब्स, हमारे हाथ पांव सब दुरुस्त हैं, तो उसके लिए ईश्वर का थैंक्स करें। फिर आपको जीवन में आपके माँ बाप, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जो भी आपके रिलेशनशिप्स में क्लोज घर पे हैं, फैमिली में, वो जैसे भी हैं उसके लिए थैंक्स करें। ओके, आई हैव सो वंडरफुल पेरेंट्स, सच लविंग हस्बैंड, सच लविंग वाइफ, सच लविंग चिल्ड्रन, ओबीडियंट चिल्ड्रन, जैसे भी हैं छोड़ दीजिए एक घड़ी के लिए, लेकिन उस समय तो एक पॉजिटिव नोट पर थैंक्स करें। ओके, उसके बाद रहने के लिए घर है, छत दी है ईश्वर ने, उसके लिए थैंक्स करें। फिर आप तीन टाइम खाना खाते हैं, आपके पास जॉब है या आपका अपना बिजनेस है, उसके लिए थैंक्स करें। फिर जब आपके सामने खाने की थाली आती है तो हाथ जोड़कर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया इस पेट को, इस ज़िंदगी को भरने के लिए और इसको चलाने के लिए, ऐसा भोजन हर एक व्यक्ति को इस सृष्टि पर मिले। तो जब ऐसे थैंकफुलनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, एक भरपूरता के साथ आप अपने जीवन को जिएंगे, तो जितना धन्यवाद करेंगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। जब हम देते हैं तो
दे दान कहते हैं ना, तो छूटे ग्रहण एक राइट ऐसा मुहावरा है, कहते हैं, कहावत जी है, ऐसे ही जब हम कुछ दान करते हैं तो वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। राइट तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो जिंदगी में आपकी वो चीज़, वो बातें या वो स्थितियाँ और बढ़ने लगती हैं, वो कम नहीं होती। वाओ उसके बाद ईश्वर को पता है या हमारी जिंदगी में क्या कैसे होना चाहिए, वो नेचुरल है, वो आएगा ही, राइट भले आप मांगे, आपको जो चाहिए वो मांगे, मना नहीं है, लेकिन थैंक्स करना, एक उसकी पावर को समझना बहुत जरूरी है लाइफ में। सिस्टर यहाँ पर ना जैसे ग्रैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड एक या फिर शुक्रगुजार होना एक ऐसी चीज़ है जो दिल से निकलती है जी राइट और कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के लिए एक सर्टेन चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. सपोज मैं ऐसे फेज में हूँ जहाँ पर मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैं ऐसे फेज में हूँ जहाँ पर मेरे रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, या जी फिर मेरे लिए मेरी सोशल लाइफ इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर ये वो पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज रिलेशनशिप में किसी की हेल्थ बहुत खराब हो गई आपके रिलेशनशिप में, या फिर करियर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे सिचुएशंस में हमें कई लोग बोलते भी है कि आप शुक्रगुजार हो कि आपके पास एटलीस्ट ये तो है, आपके पास एटलीस्ट शरीर तो है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती है. लेकिन उस मोमेंट पे ना दीदी सच में दिल से वो बात नहीं निकलती है, वो खुश शुक्रगुजार वाली फीलिंग आती ही नहीं है. तो ऐसे में क्या करें. क्योंकि हमें हमें उस समय उसकी वैल्यू नहीं पता, पर्टिकुलर उस स्थिति में, उस टाइम पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते हम। आप देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है या हमारे आँखों में जो एक नमी है, जो एक हमारे आँखों में नेचुरल नमी रहती है, और ये पलकों का झपकना है, ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जो अगर किसी के साथ मेडिकल टर्म्स में ये नहीं हो, तो वो पर्सन बहुत परेशान रहता है। अगर सलाइवा ना बने, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप पलकें झपकना, ये नेचुरल जो प्रोसेस है, ये ना होता हो और आपकी आंखें ऑलवेज ऐसे ही रहें हमेशा, और पलकें झपके ही नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम. इट्स अ प्रॉब्लम। कभी हमने थैंक्स किया किसी ने? मैंने तो नहीं क्योंकि ये किया. इतनी माइन्यूट चीज है। हमारा दिल जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से धड़क ही रहा है, एक बार भी नहीं रुका। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने थैंक्स किया होगा, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया कि मेरा दिल धड़क रहा हाँ है ना, कभी नहीं कि सुना. हमारे मुंह में सलाइवा नेचुरल बन रहा है, हमारी पलकें नेचुरल झपकती हैं, हमने यहाँ कोई मशीन नहीं लगी, कोई ऑटोमेटेड यहाँ पे मोड नहीं है, लेकिन नेचुरल प्रकृति में वो चल रहा है कि जब हम चाहते हैं हम पलक झपकाते हैं, आंखों में नेचुरल नमी बन रही है ना, हमारा नोज है नेचुरली मॉइस्ट है। तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी। आप एक एक फंक्शन के लिए ईश्वर का सुख शुक्र गुजार हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर लिस्ट बन जाए तो मांगने का टाइम नहीं मिलेगा, शुक्रगुजार होने में ही सारी जिंदगी बीत जाएगी, और आप देखना कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है। बिकॉज ईच एंड एवरी मोमेंट वी शुड बी थैंकफुल व्हाट फॉर व्हाट एवर वी हैव। हाँ, जो नहीं है वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कर्मों का हिसाब किताब का हो या और दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, उसके लिए कोशिश करना, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, वो हम सब करते हैं। है वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट इज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो मिला है, जितना मिला है, जो मिला है, उतने उसी का हम थैंक्स करने लगे तो वो बढ़ने लगता है, जी इट एक्सपैंड्स। सिस्टर, मैंने सुना है कि कुछ लोग वो ग्रैटिट्यूड जर्नल रखते हैं एंड एवरी डे वो लोग आई थिंक कुछ 5 to 10 चीज़ें जिसके लिए वो शुक्रगुजार है वो टिक करते हैं, लिखते हैं उसके अंदर में. तो ये वर्क करता है, ये वर्क करता है, लिखना वर्क करता है, या पूरे दिन हम सोचते रहें कि ये चीज़ अच्छी है, अच्छी, व्हाट इज़ बेटर. नहीं, ना सोचना है ना लिखना है, अच्छा अकॉर्डिंग टू मी ओके ये सोचना लिखना दोनों ही अच्छे हैं। जी जिसके पास सोचने का वक्त नहीं है वो लिख लेता है, पर लिखने वाला भी सोच के ही लिखता है, ट्रू ट्रू तो ट्रू ठीक है, अच्छा है। जो भी आप अच्छा लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, यू आर कीपिंग योर डायरी, आप यू आर कीपिंग योर नोट्स, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एवरीथिंग शुड कम नॉट एज अ प्रोजेक्ट टू राइट ऑन, बट इट शुड कम नेचुरली फ्रॉम हार्ट।
यस दैट्स इट। ओके सोचने की जरूरत नहीं है, आप हर पल शुक्रगुजार रह सकते हैं ईश्वर के, प्रकृति के, सूरज है, चांद है, धरती है, आसमान है, वायु है, आग अग्नि है, हवा ऑक्सीजन है, इतना कुछ है हमारे अराउंड। यू कैन बी थैंकफुल एवरी मोमेंट फॉर गॉड, फॉर नेचर एंड फॉर एवरी वन अराउंड यू। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देखिए अगर स्ट्रीट्स साफ करने वाले जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट ना साफ करें, गंदे नाले साफ करने वाले उनको ना साफ करें, या गार्बेज उठाने वाले जो लोग आते हैं वो गार्बेज ना लेके जाएं, सारा फिल्थ ऐसे ही पड़ा रहे, तो हम लोगों ने शायद कभी, शायद ही किसी ने कभी उनका जाके थैंक्स किया होगा, लेकिन वो ऐसे अपने मजबूरी की वजह से, अर्निंग की वजह से वो ऐसे कामों में जुटे हुए हैं विच इज गिविंग समथिंग बेटर टू अदर्स, राइट, विच इज कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो कितना कुछ है थैंक्स करने के लिए, सो ट्रू, है ना। आप एक देखें, भोजन हम करते हैं, कई बार नहीं पसंद आया तो ऐसे उसको झटक से साइड करके गुस्से में उठ के चले जाते हैं, right. आज भोजन अच्छा नहीं बना, पसंद नहीं आया, तो वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट और रिजेक्टिंग इट एंड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द डाइनिंग, ठीक है। लेकिन क्या कभी सोचा कि किसी ने पहले उस गेहूं को बोया, फिर इतनी तपती धूप में उसको बड़े होने के बाद उसको पानी दिया, वो बड़ा हुआ, नेचर ने हेल्प किया तो वो बड़ा हुआ, फिर उसने किसी ने उसको काटा, चाहे वो मशीन से काटा हो या मैनुअली काटा हो एज पर द कंडीशंस, फिर जाकर के वो उसमें से छटता है, अलग होता है, फिर वो बोरियों में पैक होकर के कहाँ पहुँचता है, उसका आटा बनता है, फिर घरों में आता है, तब जाकर के वो किचन में आता है, तो देयर इज अ सच अ लॉन्ग प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग, ट्रू। तो कभी किसी ने उस किसान की, किसान का थैंक्स किया कि जिसने हमारे लिए काम किया है, भले ही वो अपनी मजबूरी के लिए किसान है या दे आर इन टू एग्रीकल्चर, लेकिन कहीं ना कहीं सारी सृष्टि पर ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक चेन बनी हुई है कि गिव एंड टेक है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तो वी शुड बी लाइक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो नेचुरली आना चाहिए जीवन के लिए। बिल्कुल सिस्टर, एक और मैं करीबन 3-4 साल पहले की बात है, एक बुक था द मैजिक, वो 28 डेज का उन लोग का प्रोसेस था कि अलग अलग दिनों पे दे गिव डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और एवरी डे दे आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू ग्रैटिट्यूड। ओके, तो उस वक्त की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो उन्होंने बताया था कि ये करने के बाद में उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, क्योंकि ग्रैटिट्यूड उन्होंने 28 डेज तक उनके सारे एक्सरसाइजेस को फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं आपकी बात को मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अगर आप एक दिनचर्या बना ले कि भाई हमको कुछ ना कुछ करना है जिससे हमें ग्रैटिट्यूड फील हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। जी सिस्टर, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि जैसे सपोज ग्रैटिट्यूड आप कह रहे हैं कि हमें शुक्रगुजार होना है, मैं ये बात को मानती हूँ और हमारे दर्शक भी मानते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। जैसे सपोज जैसे पूरे दिन में आप कैसे ग्रैटिट्यूड सोच सकते हैं, जैसे अभी मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया आपसे मिलने का, या छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है तो हम ट्रिप कर लेते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो उस मोमेंट पर फिर से बाउंस बैक कैसे करें? ग्रैटिट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वी हैव ओके अराउंड एंड इन लाइफ, बट जब कोई स्थिति आई, सिचुएशन आई, उस समय उसका पॉजिटिव आउटकम भी तो कोई होगा। वी जस्ट नीड टू चेक इट। देखो सिचुएशन आती है, इतना कोई संत महापुरुष हर कोई नहीं है कि उसी टाइम समाधि में बैठ जाएगा या उसी टाइम माला पकड़ के जपने लगेगा या उसी टाइम हम सातवें आसमान पे एक संत की तरह पहुंच जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर वेरी फ्यू एनलाइटेंड सोल्स जो ऐसा कर पाती हैं। लेकिन जब कोई स्थिति आती है जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में हजारों स्थितियां आती हैं, उसमें सारी चीजों का सामंजस्य अगेन लेके आना है, तृप्ति, एक्सेप्टेंस,
एक्सपेक्टेशंस को कम करना, एक्सेप्टेंस भी आ गया उसमें, हमारा ग्रैटिट्यूड भी आ गया। कितनी सारी चीज़ें हैं, किसी भी एक पावर को उठा करके यूज़ करके देखें। यहाँ एक्सेप्ट करने से बात चल रही, काम चल रहा है तो उसको यूज़ कर लो, कहीं ग्रैटिट्यूड से काम चल रहा है तो उसको यूज़ कर लो। एंड द लास्ट वन वी वर डिस्कसिंग इज़ अबाउट लव। तो अगेन, हेट ना हो, नफ़रत ना तो भोजन के लिए हो, ना जीवन के लिए हो, ना रिश्तों के लिए हो, नफ़रत ना हो, है ना? तो नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, ओनली लव। प्यार जितना बिखरेगा उतना ही वापिस आएगा, जितना नफरत जाएगी उतनी वो भी वापिस आएगी। पर दीदी कई बार ना हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, जैसे अगर सिचुएशंस ऐसी है लाइफ में, शायद कोई ऐसी व्यक्ति हो जिन्होंने बचपन से ही दुख देखा है और रिलेशनशिप्स में भी तकलीफ देखी है जी और करियर में भी, शायद फाइनेंशियली भी वो इतने इक्विप्ड नहीं है, या फिर आगे बढ़कर शायद हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे में जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, वो कैसे हेल्प करेगा उस व्यक्ति के लिए, आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सही जगह पर नहीं है। यस, वेरी ट्रू। कंप्लेन करना छोड़ें। जी कंप्लेन ही करते रहेंगे तो कंप्लेंट्स आती ही रहेंगी। जितना उसको लविंगली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, जिंदगी नया नया सब देती जाएगी। न्यू डोर्स ओपन, जब एक दरवाज़ा बंद होता है 10 नए खुलते हैं। देखने की नज़र चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर होता है। एक व्यक्ति है, कुछ हो गया, वो ऐसे बैठ जाएगा, मेरे साथ ये क्या हो गया, सदमे में चला जाएगा। एक कैरेक्टर है, वो है कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो क्या हुआ, दुनिया में पता नहीं कितने बड़े बड़े नुकसान होते रहते हैं, चलो ऐसे करके देख लेते हैं। दिस इज जिंदा दिली, है ना? जिंदगी को जीना है, समय निकालना है, जिंदगी को जीना है। अल्टीमेटली क्या लेके जाना है यहाँ से? एक्चुअली तो हम सभी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू गिव समथिंग गुड टू द सोसाइटी। तो जब कोशिश ये रहे कि मुझे मेरी जो जिंदगी मिली है उससे मैं किसी को कुछ अच्छा दे के जाऊँ, या उससे किसी को बहुत अपने आप से मेरे पास जो है जितना है उससे किसी को मैं खुशी दे दूँ, किसी को सुख दे दूँ, किसी को कुछ अच्छी शिक्षा दे दूँ। तो अगर इस तरीके से कुछ सोच करके हम चलें तो आपको आपकी कठिनाइयाँ कम नज़र आएंगी और दूसरे की देख करके आप उसमें से उभर पाएंगे। तो उसमें एक मैंने अपने ही डायरी में कुछ लिखा था, याद आ रहा है, कि ज़िंदगी वो है जो किसी को जीना सिखाए, ज़िंदगी वो है जो किसी को कुछ दे जाए, ज़िंदगी वो है जो आपके खुद के अनुभवों से किसी का मुकद्दर बना जाए। वाह, बहुत अच्छा। तो अपने अनुभवों से हम दूसरों को क्या दे के जाएं, चाहे हम गुड और बैड जिस भी सिचुएशन में हैं, एक्सेप्टेड, एवरीवन इज़ नॉट भरपूर, हर कोई भरपूरता में नहीं जी रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, स्ट्रगल्स हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस हमें पॉजिटिव साइड को देख करके चलना है, तो ये इसका पलड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। वाह, दैट्स इट। तो जितना मैं इस बात से समझ पाई, मैं ये समझ पाई कि हमारी चॉइस होती है, वी हाँ, चूज आर लाइफ, भले यस, कितनी भी सिचुएशंस वैसी है जो हमारे शायद कैपेसिटी से काफ़ी ऊपर है, हम नहीं कर पा रहे चीज़ों को, लेकिन चॉइस हमारी अपनी होती है। एम आई राइट? यस, आई ऑलवेज से लाइफ इज अबाउट, लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी। ए बी सी डी है, जी लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में आता है सी। तो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड चांसेस। वी गेट चांस एवरी डे, इट्स आर चॉइस हाउ टू लिव इट। हाउ ब्यूटिफुल, दिस इज वन डे, अमेजिंग। बहुत लंबा लंबा सोच के नहीं चले, बहुत दूर दूर की सोच के नहीं चले, दिस डे, लिव दिस डे टू द फुलेस्ट। क्या बात है। लाइफ इज अबाउट बी एंड डी के बीच का हिस्सा। बी इज बर्थ, डी इज डेथ, सी इज चॉइसेस, चांसेस वाह, गॉड इज गिविंग एवरी डे।
आई एम स्पीचलेस. बहुत बड़ी बात कर दी आपने सिस्टर, बिकॉज आखिर तो हम चूज करते हैं, राइट? अगर मुझे ये चीज करनी है या मुझे ये चीज नहीं करनी है या मुझे गुस्सा होना है, वो भी मेरी चॉइस है एक्चुअली. क्योंकि एक टाइम था मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि किस तरह से इसको डील करूं मैं. फिर मुझे किसी ने बताया कि इट्स योर चॉइस. अगर आप चूज कर रहे हो कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आप उस सिचुएशन में आप पीछे हट करके यू विल सी कि भाई मुझे गुस्सा नहीं करना है. जी एंड दैट रियली हेल्प्ड. सिस्टर, आज का जो एपिसोड रहा है मेरे लिए बहुत ही इमोशनल रहा है, क्योंकि मेरे कई सारे सवाल थे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने बहुत ही प्यार से और दिल से हमें उसके जवाब दिए. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. थैंक्स टू ओम गॉड. शांति. दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके पास उसे बदलने की चॉइस है. आपका जो डिसीजन होगा वही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा. कई बार ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज्ड होंगे कि भाई ये करे कि ये करे, लेकिन आपकी दिल की आवाज को अगर आप सुने और सही बात की तरफ आगे बढ़े, अपने मन पर ध्यान दे, तो आपकी जिंदगी होलिस्टिक बन सकती है. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड. कॉल 8094913487.